यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन डिप्लोमा कोर्स, जो 2 वर्ष का पशुपालन डिप्लोमा कोर्स होता है यानी वेटरनरी, उसमें आप प्रवेश कैसे ले, काउंसलिंग कैसे करें, फीस क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वेटरनरी पशुपालन डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए जो 2 वर्ष का होता है उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। कई स्टूडेंटों को तो इसमें डाउट रहता है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें एडमिशन आप 12th के मार्क्स के हिसाब से ही, इसमें काउंसलिंग होती है, उसी पे मेरिट निकलती है और उसी से आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम होता है वो RPT का होता है, 4 वर्ष का जो RPVT होता है, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, उसका एग्ज़ाम होता है। इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देते हैं, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें 12th के जो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग इसमें एडमिशन होता है आपका। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं अपन प्रवेश कैसे ले। इसमें 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। अब देखो आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक तो 12वीं पास होनी चाहिए आप इसके लिए साइंस फैकल्टी से। अब इसकी बात कर लेते हैं कॉलेज, इसकी जो मेन कॉलेज है वो बीकानेर है और सभी कॉलेज हैं जो इससे अप्रूव्ड है यानी इससे संबंधित कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी। तो प्राइवेट कॉलेज हैं लगभग अभी अपने राजस्थान में 70 से 80 प्राइवेट वो टोटल कॉलेज है अपने राजस्थान, बात कर लेते हैं 70 से 80 टोटल कॉलेज है और एक कॉलेज में 50 सीटें हैं। टोटल 50 सीटें एक कॉलेज में, और इसमें क्या होता है 50 सीट है। अब 50 में से भी क्या है कि जो 85% सीटें हैं उनमें तो मेरिट के हिसाब से आपके 12th की परसेंट है उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन बाकी जो सीटें बच गई 50 सीटें हो गई तो इसका 15% यानी टोटल 100% हो गई, तो उसकी 85% सीटों पर तो आपको 12th के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज वाले देंगे, काउंसलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। बाकी बच गई जो 15% सीटें यानी 8 सीटें, 50 में से 8 सीटें जो बच गई उन पे एडमिशन कैसे होता है, उन पे एडमिशन के लिए आपको डायरेक्ट कॉलेज में ही कॉन्टेक्ट करना होगा। वो मैनेजमेंट सीटें होती है यानी पेमेंट सीट होती है और उन पर कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग ही एडमिशन देते हैं, उन वही डिसाइड करते हैं फीस कितनी लेना है क्या लेना है, तो वो सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यदि आपके कम मार्क्स है 12th में और फिर भी आप वेटरनरी करना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करवाए, डायरेक्ट आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर ले पहले ही और अपनी सीट पहले ही रिजर्व कर ले, अन्यथा वो भी फिर नहीं मिल पाती क्योंकि एक कॉलेज में 8 ही सीट होती है, पेमेंट सीट होती है जो 8 ही सीट होती है एक कॉलेज में, तो आप पहले ही ले ले यदि आपको वेटरनरी करना ही हो तो। फीस थोड़ी इसमें ज़्यादा रहती है, वो अपने हिसाब से कॉलेज वाले फीस इसकी लेते हैं। और वैसे नॉर्मल फीस की बात कर ले तो प्राइवेट कॉलेज की 40 से 50 हज़ार इसकी फीस रहती है एक सेमेस्टर की, एक ईयर की, और 2 ईयर हो गए तो 2 ईयर की फिर आप देख सकते हैं एक ईयर की 40 से 50 हज़ार रहती है। और गवर्नमेंट की है वो डिपेंड करता है कॉलेज की, गवर्नमेंट की फिक्स होती है। अब इसकी पात्रता देख लेते हैं, आप 12वीं पास होनी चाहिए साइंस फैकल्टी से, सब्जेक्ट आपकी कोई सी हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री फिजिक्स आपके कोई सी सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर वाले हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं, आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट होने चाहिए। इसमें एज की बात कर लेते हैं तो इसमें काउंसलिंग के लिए जब आप सितंबर में काउंसलिंग चालू होगी, और काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो इसमें एक ज़रूरी है आपकी एज है वो आप 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए दिसंबर तक। यदि आप सितंबर में काउंसलिंग करवा रहे हो तो दिसंबर तक आप 17 ईयर के कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, अन्यथा आप ये काउंसलिंग नहीं करवा सकते यदि आपकी एज नहीं हो रही। तो आपको वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स करवाने के लिए 17 ईयर कंप्लीट हो जाना ही चाहिए दिसंबर तक, तभी आप ये कर सकते हैं। सीटों का आवंटन है वो आरक्षण के हिसाब से होता है यानी ST SC OBC जनरल वालों की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ये कैटेगरी पर ही डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ जारी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनवा ले इसके लिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा जो आरक्षण है रिजर्वेशन है। तो अपनी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके, वो बनवा ले आप, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण, वो मूल निवास हो गया, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बना के रेडी रखे। और इसमें आगे बात कर लेते हैं जो इसकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की फीस होती है वो 1500 रुपये होती है, काउंसलिंग की फीस 1500 रुपये होती है। ये जो यदि आपका एडमिशन होता है तो वापस मिल जाएगी। काउंसलिंग की फीस है जो 1500 रुपये होती है दोस्तों, जो यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो वापस आपको मिल जाएगी। और काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होगी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा काउंसलिंग को,
तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं, कुछ कॉलेज हैं ये, आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलेज हैं, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट है www.raju.vas.org। आप देख सकते हैं कि जो सितंबर में काउंसलिंग होगी, आप देख सकते हैं RAGUVS ऑफिशियल साइट पर दिखाई दे देगी आपको, जो नोटिफिकेशन आएगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर आगे बात करते हैं, इसमें देख लो 1500 रुपये इसमें फीस लगती है, ये लिखा हुआ है। और ये कुछ कॉलेजों के नाम आप इस साइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी। और मैं बता दूं कि राजस्थान में ऐसी कॉलेजें भी है जो फ्री वेटरनरी करवाती है, यदि उनके बारे में आप जानना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान में 4-5 ऐसी कॉलेज है जो बिल्कुल फ्री वेटरनरी कोर्स करवाती है, उनकी कोई भी फीस नहीं होती है। तो उन कॉलेजों के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो काउंसलिंग से संबंधित है, दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अपने चैनल पर, आप वहाँ पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोनों के, वहाँ से जाके और देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, यदि कुछ आपको डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।